अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के सामने ये व्लॉग बना रहे हैं फुल सीरियस मूड में। सीरियस मूड में इसलिए बना रहे हैं कि आज एक बड़ा मामला हुआ है। हम घास काटने आए हुए थे और गलती से हमें एक दहशतगर्द मिल गया भाई। बहुत ही बंदों को मार रहा था ये पकड़ा। मैं वैसे दिलेर बंदों, मैंने बड़ा मारा इसे, ये पकड़ा हुआ है हमने। ये देखें ये दहशतगर्द हमारे हाथ से ज़रा जल्दी भाग गए। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ उसको पकड़ पकड़ के। अब आगे से दो बंदे आ रहे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया वहीं पे घास के पास। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खड़ा दहशतगर्द। क्या चाहते क्या थे तुम बताओ। अच्छा, तो मुझे लगता है ये जो दहशतगर्द है ना, ये बेचारा गूंगा है, तो इसकी ज़रा हजामत करते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ये हम यहाँ पे अपने व्लॉग में ही फिर रहे थे, हमने सोचा हमारी आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, हमें माइक की ज़रूरत है। तो ये मैंने देखा नीचे एक नेचुरल माइक गिरा हुआ है, अब इससे हम आगे की वीडियो बनाएंगे। अब मैं घास काटने लगा हूँ, आपने देखना है कि मैं घास कैसे काटता हूँ। काटना मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी। भाई बैठे हैं, उनसे ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, आपको दिखाते हैं नेचुरल माइक को लगाएंगे यहाँ पे। वैसे आपने बड़े यूट्यूबर्स का देखा है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरा माइक भी पता नहीं कहाँ गिर गया है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। देखो ये देखे, बहुत मेहनत लगी है, बहुत हमने इतनी मेहनत से घास काटा था कि वो यार है। अच्छा, एक बुरी खबर है हमारे पास कि हमारा जो दहशतगर्द था ना, वो भाग गया है। वो कह रहा था कि मैं ट्यूबवेल में नहाने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा है मैं भी साथ चलता हूँ। उसको मैंने कहा है, उसने कहा है मैं बेटा आपको थोड़ी देर बाद ले जाता हूँ। अब वो दहशतगर्द जब आएगा तो मुझे ट्यूबवेल पर लेके जाएगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि ट्यूबवेल कैसी लगती है। अच्छा, जब ट्यूबवेल पर तो जब जाएँगे सो जाएँगे, तब तक आपको ज़रा विलेज के नज़ारे कराते हैं अच्छे वाले। ओए पिछू हटवन, ओए कैमरा हटवन। अभी मैं आपको ज़रा हमारे विलेज के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम सुबह सुबह घास काटने आए हुए थे भैंसों के लिए। फिर माइक भी हमने ये ढूंढ लिया यहीं से ही, बहुत अच्छी जगह। आपको भी अगर माइक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके लिए भी एक माइक यहीं से ही सेंड करवा देंगे हम। ये देखें, चले अब घास का तो व्यू आपको दिखाया। अब यहाँ पे ना ज़रा रेतली सी जगह भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पर फसल भी काश्त नहीं हो सकती। मैंने भाई सब पूछा है, मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन ज़मीन बंजर हुई पड़ी है। दहशतगर्द ने हमें बहुत बुरी तरह से धोखा दे दिया है। वो कैरेटिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाला नहीं है। है भी बेचारा गुंगा, बोल भी नहीं सकता। तो मुझे ये बच्चा मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, यहाँ पे वो ट्यूबवेल है। हाँ। किस जगह पे? फुल साइड पे। मुझे ले चलोगे भाई जान? चलो चलते, अब हम लोग जा रहे हैं ज़रा ट्यूबवेल पे, आपको दिखाते हैं। ट्यूबवेल पे तो हम आ गए, लेकिन एक मसला हो गया। ये देखें, ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है और ये चल भी नहीं रही। इसलिए अब वापसी की रवानगी करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं उसी दहशतगर्द से बात करके कि वो हमें कहीं ट्यूबवेल पे ले चले। चलें, यहाँ पे ज़रा लोग भी आए हुए हैं, इसीलिए हमें ज़रा जल्दी जाना पड़ रहा है यहाँ से। अच्छा, मैं वापस आ रहा था और गलती से ये देखें, ये वही दहशतगर्द है। रिक्शा चोरी कर रहा है, गीना करके आया है।
सॉरी भूल गया था मैं तो आई गूंगा। ये दोबारा आया बेटा, पहले इसकी दुर्गत बनाते हैं फिर नाचते पे चलेंगे। बच्चे डर जाएंगे, मुंह उतरा कहीं में लेके आओ भाई जान। अब हम अपनी सवारी पे तैयार हो गए हैं। ये हमारी शाही शाही देव सवारी है, सवारी नहीं है, सवारी शाही शाही। यहाँ पे थोड़ी बहुत भैंसें खड़ी हैं, आपको भैंसें दिखाते हैं। मुझे डर भी लगता है ज़रा भैंसों से, फिर भी दिखाते हैं। देखा डर गई है, ये घास भी आ गया अंदर। अब हम खाना खाने लगे हैं। चुप करके बैठो, अपनी आवाज़ में शामिल कर बैठ करेंगे, पहले खुद की तो बताना साथ नहीं बस। अब हम ट्यूबवेल पे आए हैं, यहाँ पे हम सारे नहा रहे हैं। मैं पहले वीडियो नहीं बना सका रास्ते की, लेकिन अब पहुँच के मैंने बना लिया थोड़ी। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम कैसे मजे।